गौ माता जी पिछले 7 वर्षों से हमारी इस शॉप में आ रही है और लगभग 3 बजे से 7 बजे के बीच में आती है, और जब भी आती है आधे घंटे से लेकर 2.5-3 घंटे तक बैठती है। और जब भी आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 33 कोटि देव देवी स्वयं माँ जगदम्बा और माँ लक्ष्मी के साथ हमारी शॉप में आ रही है और हमें भरपूर प्रेम और भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रही है। आज आप सभी जो यहाँ आए हैं, मैं पूरी मीडिया का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और आपका विशेषकर मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि पूरी देश और दुनिया में आप ये गौ माता की प्रेम अद्वितीय कहानी पहुँचाने में जो आप कार्य कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पे अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है। गौ माता एक तो बहुत अद्वितीय माता है और हम लोग जैन धर्म से हैं, महावीर भगवान के अनुयायी हैं, और मेरे मदर फादर मेरे कृषक थे वो, और जीव दया हम इसे कहते हैं। जब हम छोटे से थे तो ही मेरे मम्मी और पापा ने जो संस्कार प्रदान किए कि बचपन में हमें भोजन करने देने से पहले गौ माता जी को रोटी देने का एक घर के अंदर में बिल्कुल ये प्रथा चलती थी, वहीं से ये एक मन में आया। और हमारी गुरुवरियाँ हैं मनोहर श्री जी महाराज साहेब की शिष्या प्रगावती श्री जी महाराज साहेब, उन्होंने बचपन से हमें यह प्रेरणा दी कि जीव दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और जीव दया यानी अभय दान, और अभय दान से बड़ा इस दुनिया में कोई दान नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा प्रेरणा स्रोत तो हमारे परमात्मा गुरु और माता पिता रहे हैं। ये गौ माता, एक्चुअली जो ये गौ माता है, मैं आपको एकदम फ्रिक्वेंट बता देता हूँ, घर पे जो गौ माता आती है तो ये आती है तो घर पे ऐसे ही मेरे साथ में रहती है, और इसके साथ में मैं भोजन भी करता हूँ। ये हालांकि मैंने मीडिया के साथ में आज फर्स्ट शेयर किया है। जनरली क्या होता है कि ये कई बार ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, बट ये मेरे साथ खाना खाती है और वैसे ही खाती है जैसे मैं खाना खाता हूँ। उसी प्रकार थाली में इसकी भी रोटी आती है, मेरी भी रोटी आती है, और ये रोटी को घुमा कर खाती है, मतलब बाकायदा एक इसका स्टाइल है। और बड़ी खुशी होती है जब इसको देखता हूँ और मुझे मेरे साथ जब भोजन करती, तो मुझे लगता है कि साक्षात मैं परमात्मा को 33 कोटि देव देवी को भोग लगाकर मैं उनका प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ।